तो हाय फ्रेंड्स, आपको नए वीडियो में स्वागत है। तो आज आपके लिए लाया हूँ कि ये कहीं गो दिल बाटे सीना के भीतर या वो लागल बत तोरे से, ठीक है। तो उसका पूरा जैसे न्यू म्यूजिक हम लोग कैसे क्रिएट करते हो वो भी अपने क्यूबेस 5 में। तो आज पूरा टॉपिक आज शानदार होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं जब म्यूजिक बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक रफ वोकल जो है से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दो, पहले सबसे पहले क्या करना है, वोकल को रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद हम लोग म्यूजिक। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग एक वोकल को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि म्यूजिक उसमें देखते कौन कौन सी टोन। हालांकि मैंने मिक्स रिदम से बनाया है मेरे दोस्त, जो भी है मैं अपना क्यूबेस 5 में जैसे म्यूट रिदम पहले क्यूबेस 5 में मत FL स्टूडियो में बना लेता, उसके बाद उसका लूप से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी लूप के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई वीडियो कैसा है, ठीक है। म्यूजिक बनाने के लिए आप लोगों को पास कौन कौन सा लूप होना चाहिए पूरा डिक्लियर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ देखिए आप लोगों को एक एक चीज सुना दूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं वो एक परकसन लगा लिया है, उसके बाद क्लैप लगा लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को इतना पार्ट लूप मोड में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक में। ठीक है ना, तो मैंने इस चलते डाल दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में। अब क्वेश्चन आता है ये पहले पार्ट, जब हम लोग 4 बीट का म्यूजिक बनाते हैं तो ठीक है, तो ये डाल दिया। अब दूसरा जो इस तो फर्स्ट वाले जो 4 पैटर्न बजा, ये दूसरा कुछ और था, अब यहाँ से बजेगा वो कुछ और बजेगा, ठीक है। हालांकि मैं कोड बेस को चालू कर देता, कोड बेस थोड़ा सा प्रयोग किया है आप लोगों को। मैं यहाँ पर दिखा दूँ किक का, ठीक है। और किक लगाने के बाद यह छोटा जो ढोलक होता है हम लोग इसको यूज किया, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद छोटा ढोलक, बाकी सारे चीज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर मैंने एक जो टोन होता है जो पानी तरह का, आप लोग ये पंजाबी में दिया जाता है, बाकी क्लैप को लगा लिया। तो मैं आप लोगों को एक बीट आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा आसानी से बनाने के लिए, ठीक है। तो यह आपको एक, तो देखिए 1 मतलब जो काले जो गाढ़ा वाला है उस पर मैंने लगा लिया है, उसके बाद छोटा ढोलक है कि 3 छोड़कर इसमें लगा दिया गया है, और उसी तरह और जो छोटा ढोलक है वो 7/15 पे लगा, सेम टू सेम FL स्टूडियो के जैसा ही यहाँ बनाना पड़ता है, और कोई यहाँ पर कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। FL स्टूडियो तो थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होती है, तो यही चीज़ देखिए इसी पार्ट को हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ हम लोग लाएंगे यहाँ,
ठीक है ठीक है। तो म्यूजिक पार्ट हम लोगों को चलेगा यहाँ से, तो म्यूजिक पार्ट को हम लोगों को कर देना है कितना, इतना पार्ट खत्म, इतना पार्ट यहाँ से खत्म। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग म्यूजिक के लिए चलाएंगे तो चार पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए मैं बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा तभी आप लोग समझ पाइएगा, नहीं तो बहुत सारे चीज़ मिस कर जाइएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग ले चलते हैं इस तरह। हालांकि थोड़ा गलत मेरा कॉपी हो गया था, ठीक है, उसको अंडो करके मैं ख़त्म कर दिया, उसको अंडो करके हम, हालांकि मैं काटने के चक्कर में कुछ और इसको ऐसे कर देते हैं, और फिर यहाँ से कॉपी करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ले जाना है तो कंट्रोल करते हैं ऐसे, और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो पार्ट है थोड़ा हम लोगों को गलत कट गया था, क्योंकि देखिए इतना पार्ट हम लोगों को चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे कर लेंगे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ आगे हम कर लेंगे। हालांकि यहाँ छोटा ढोल छोटा ब्रेक लगेगा, तो हम लोग इसको काट लेते हैं और इसको थोड़ा सा ही कर लेते हैं। अब बाकी आपको यहाँ पर छोटा छोटा जो लूप्स होता है उसको आप लोगों को प्रयोग करना है, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ इस तरह लगाना होगा, ठीक है ना। इस तरह लगाने से क्या होगा कि आपको जो भी आवाज़ आता है इफेक्ट वहाँ पर, तो ये मैं आप लोगों को बना रहा हूँ लाइव, तो थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर भी उसी तरह जहाँ पर भी अगर ब्रेक अगर हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पर जरूरी है कि वहाँ हम लोगों को एक कट देना है, समझे। जब भी अगर सिंगर मेरा, समझे, जब भी सिंगर हम लोगों को वोकल को अगर उठाएगा और चढ़ाएगा तो उस तरह से हम लोग करना है। देखिए यहाँ पर हम ऐसे करते हैं और इसको फिर कॉपी करके यहाँ हम लगाते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पर आवाज़ हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मेरा सिंगर आवाज़, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस तरह का, यहाँ पर हम लोगों को कुछ हटाना पड़ेगा, तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। समझे, इसको बढ़ाना पड़ेगा अपने हिसाब से। आप लोग देखिए कंट्रोल डी करेंगे आ जाएगा, ठीक है, वही सेम टू सेम आ। तो देखिए यहाँ से अब जो पार्ट हम लोगों को चलेगा वो बदल कहीं। हम लोगों को आगे पार्ट था कहाँ कहाँ से बोला था,
ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद ऐसे कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। और हालांकि कॉपी उठा ले रहा है ज़्यादा, तो ऐसे करके और इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और ऐसे यहाँ हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, इसको यहाँ कर लेंगे। अब हम लोग इसको यहाँ से ऐसे सटाएंगे, ठीक है, इस तरह अपना मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, क्योंकि बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया मेरे दोस्त।